हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे टमी टक सर्जरी या 360 लाइपोसक्शन क्या होता है। हमारे पास कुछ पेशेंट की क्वेरी थी कि 360 लाइपोसक्शन या टमी टक सर्जरी कब करते हैं, तो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली जो एब्डोमिनल फैट होता है, बैक में भी फैट होता है, तो उस कंडीशन में जो एब्डोमिन का लाइपोसक्शन करते हैं और बैक का भी करते हैं, तो उसमें 360 डिग्री लाइपोसक्शन बोलते हैं। तो कुछ कुछ पेशेंट होते हैं फीमेल जिनको आफ्टर प्रेगनेंसी एक्स्ट्रा स्किन होती है वो लटक जाती है, तो उस कंडीशन में टमी टक सर्जरी करने जरूरत पड़ती है। तो टमी टक बेसिकली क्या होता है, जो एक्स्ट्रा स्किन होती है उसको निकाल देते हैं। तो बेसिकली करते इसमें भी वही है, सेम है, लाइपोसक्शन करते हैं बैक का, फ्रंट का, एब्डोमेन का, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा स्किन होती है उसको निकाल देते हैं। इसमें बेसिकली फीमेल जो होती है उसमें जो एब्डोमिनल की मसल होती है उसके बीच में गैप हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो मसल्स होती हैं उसको भी रिपेयर करते हैं जिससे एब्डोमेन टाइट रहे, और जो एक्स्ट्रा स्किन होती है उसको निकाल देते हैं। तो ये होती है टमी टक सर्जरी। इसमें जो हॉस्पिटल स्टे होता है 2 से 3 दिन रखते हैं, और उसके बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं, और उसमें कंप्रेशन गारमेंट पहन के रखना है, और सर्जरी में करीब 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, और आपको कंप्रेशन गारमेंट कंटिन्यूस पहन के रखना है जिससे हीमोटोमा या सीरोमा ना बनने पाए। अगर आपकी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।